जय श्री राम। मैं डॉक्टर उमा श्री आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं चर्चा कर रही हूँ विवाह योग्य युवतियों के बारे में। आप विवाह की बातचीत कब करें, कब लड़के वालों को घर बुलाएं या लड़की वालों को घर बुलाएं, किन किन बातों का आप ध्यान रखें, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। हमारे मन को जो नियंत्रित करता है वो चंद्रमा है। चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। तो हमारा मन किसी दिन बहुत खुश होता है, किसी दिन बहुत उदास होता है, ये सब कुछ चंद्रमा की वजह से होता है। मूरत का प्राण तत्व होता है चंद्रमा। तो जब भी हम किसी से कोई महत्वपूर्ण बातचीत करना चाहते हैं उस समय हमारा मन स्थिर और अच्छा होना चाहिए, और ये निर्भर करता है कि उस दिन हमारा चंद्रमा कैसा है। जो लोग ज्योतिष जानते हैं वे तो समझ सकते हैं कि पहला चंद्रमा दूसरा चंद्रमा क्या होता है, लेकिन जो ज्योतिष नहीं जानते हैं, जो लोग जो सामान्य जन हैं और जो ज्योतिष नहीं जानते हैं, उनके लिए यह तय करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका भी मैं एक तरीका आपको बताने जा रही हूँ। अखबार आप रोज़ पढ़ते ही हैं और अखबार में रोज़ आपका दैनिक राशिफल आता है, उससे पहले जो पंडित जी होते हैं या जो ज्योतिषीविद होते हैं वो उसके भीतर चंद्रमा किस राशि में है ये लिखते हैं। तो आप पहले तो ये जान लीजिए कि आपकी राशि कौन सी है। चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली में एक नंबर के साथ है तो आपकी मेष राशि है, दो नंबर के साथ है तो वृष राशि, तीन नंबर के साथ है तो मिथुन राशि, चार नंबर के साथ है तो कर्क राशि, पाँच नंबर के साथ है तो सिंह राशि, छः नंबर के साथ होने पर कन्या राशि, सात नंबर के साथ चंद्रमा होने पर तुला राशि, आठ नंबर के साथ अगर चय लिखा हुआ है, चंद्रमा लिखा हुआ है तो वृश्चिक राशि, नौ नंबर के साथ है तो धनु राशि, दस नंबर के साथ है तो मकर राशि, ग्यारह नंबर के साथ है तो कुंभ राशि, और बारह नंबर के साथ है और चय लिखा हुआ है तो वह है मीन राशि। तो अगर चंद्रमा अखबार में जैसा कि आप पढ़ेंगे और लिखा होगा, मान लीजिए किसी की मेष राशि है, मतलब एक नंबर में चंद्रमा है, और उस दिन अखबार में भी लिखा हुआ है कि चंद्रमा आज मेष राशि में, तो इसका मतलब है कि मेष राशि के जातक के लिए उस दिन वह पहला चंद्रमा होगा। जो आपकी राशि है और गोचर में भी, मतलब ट्रांजिट में भी चंद्रमा उसी राशि में हो तो वह आपका पहला चंद्रमा कहलाएगा। मेष राशि की बात कर रही हूँ मैं। और वृषभ राशि के लिए वह चंद्रमा बारहवां हो जाएगा, बारहवां चंद्रमा हो जाएगा, मतलब एक राशि पीछे हो जाएगा तो बारहवां चंद्रमा हो जाएगा। मिथुन राशि के लिए ग्यारहवां हो जाएगा। इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं कि चंद्रमा आपका कौन सा है। अब चंद्रमा कौन सा शुभ होता है ये देखने की बात है। चंद्रमा जो पहला होता है बहुत ही शुभ होता है, तीसरा चंद्रमा बहुत ही शुभ होता है, छठा चंद्रमा कार्य की सिद्धि करता है बहुत ही बढ़िया होता है, सातवां चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, दसवां भी ठीक होता है, ग्यारहवां बहुत ही उत्तम होता है। तो जिस दिन आपका चंद्रमा पहला हो, तीसरा हो, छठा हो, सातवां हो और ग्यारहवां हो, तो वह कार्य, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए वो दिन बहुत ही आपके लिए बढ़िया है। ये तो हुई चंद्रमा की बात। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि विवाह की बातचीत के लिए बृहस्पतिवार और शुक्रवार बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग रविवार को नहीं मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से रविवार का दिन, क्योंकि एक छुट्टी का दिन होता है लोगों का और उस दिन काफ़ी रिलैक्स महसूस करते हैं, तो जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय रविवार के दिन भी अगर आप लेते हैं तो वह भी बहुत ख़राब नहीं होता है और अच्छा ही होता है। क्योंकि अगर उस दिन आपका चंद्रमा अच्छा है और रविवार भी पड़ रहा है तो आप विवाह की बातचीत उस दिन कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है कि विवाह की बातचीत या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य राहु काल में ना करें। राहु काल बहुत ही अशुभ होता है और उसमें किसी भी प्रकार के कार्य को करने से अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और चंद्रमा वाली बात जो मैंने आपको बताई है उसमें ध्यान रखने योग्य एक बात और है कि उस दिन आप तिथि का अवश्य ध्यान रखें। अगर अमावस्या तिथि है और उस दिन आपका चंद्रमा, जैसा कि मैंने बताया, पहला है, तीसरा है, छठा, सातवां या ग्यारहवां भी है और उस दिन अमावस्या पड़ रही है तो उस दिन कोई मुहूर्त नहीं होगा, क्योंकि अमावस्या किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए शुभ नहीं समझी जाती है। पूर्णिमा अगर उस दिन पड़ती है या चंद्रबल उस दिन बढ़िया है, और फिर जो चंद्रमा की स्थिति मैंने आपको बताई
वही स्थिति में चंद्रमा आपका पड़ता है तो उस दिन आप विवाह की बातचीत कर सकते हैं। विवाह की बातचीत करते समय अगर आपकी पुत्री है तो उसको बृहस्पति का पूजन कराएं, और पुत्र है तो शुक्र देव का पूजन या मंत्र जाप कराएं तो भी कार्य की सिद्धि होती है। और कात्यायनी माता का जाप अवश्य करना चाहिए, और उससे भी विवाह संबंध तय होता हुआ देखा गया है। इन सब बातों का आप ध्यान रखें तो आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।